हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि सैमसंग के फ़ोन पे एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन हाइड करके दिखा दूँगा। सबसे पहले आप लोगों को होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पे चले जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों का जितना भी एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा। आपको जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको कैमरा हाइड करके दिखा देता हूँ मेरा, तो मैंने कैमरे पर सिलेक्ट कर दिया है। कैमरे पे सिलेक्ट कर देने के बाद आप लोगों के यहाँ पर नीचे डन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग डन पे क्लिक कर दीजिएगा। डन पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग बैक चले जाइएगा। बैक चले जाने के बाद आप लोग देखिएगा कि आपका एप्लीकेशन हाइड हुआ कि नहीं। तो मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया था, तो मैं देख लूँगा एक बार मेरा कैमरा हाइड हो गया है कि नहीं। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा कैमरा यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मेरा कैमरा हाइड हो चुका है। तो और एक बात बता दूँ गाइस, सब लोग हाइड तो कर लेते हैं लेकिन अनहाइड करना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो मैं ये भी सिखा देता हूँ गाइस कि एप्लीकेशन को अनहाइड कैसे करें। सबसे पहले आप लोगों को होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद सेटिंग पे चले जाना होगा। सेटिंग पे चले जाने के बाद यहाँ पर देख रहे गाइस, हाइड ऐप्स एंड होम स्क्रीन दिखाई देगा। वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस, इधर ऊपर हिडन ऐप्स लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि मैंने कैमरे को हाइड कर दिया था, तो यहाँ पर मेरा कैमरा हिडन ऐप्स पे है। तो आप सिंपली माइनस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। माइनस बटन क्लिक करने के बाद गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट होम स्क्रीन पे चले जाते हैं बैक बटन दबा के। तो आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन में नहीं जाना है। आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डन पे जाके ही आप लोगों को होम स्क्रीन पे जाना होगा, तभी आपका ऐप्स अनहाइड होगा। तो हम डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर बैक पे चले जाते हैं। बैक पे चले जाने के बाद देखते हैं गाइस, मेरा कैमरा अनहाइड हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, मेरा कैमरा अनहाइड हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए गाइस, आपका भी एप्लीकेशन अनहाइड हो जाएगा। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।